मुझे कहा कि मुझे जवान लड़के थे मुझे बार बार ये कह रहे थे कि मैं ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं करूँगा और फिर 20 साल के बाद इसका प्रॉफिट आएगा तो मैंने कहा यार आप अभी माशाल्लाह यंग हो अभी आप अच्छी गाड़ी रखो ठीक है ना अभी आप अच्छा कपड़ा पहनो अभी आप अच्छी खुराक खाओ अल्लाह ने यह सारी जरूरतें पूरी करने के बाद अल्लाह ने मजीद अगर पैसा दे दिया तो थोड़ा बहुत रख लो कल के लिए तो पहला फॉल्ट क्या है कि कल में का यकीन नहीं है कराची का कोई ट्रक अल्लाह ना करे कुचल के चला जाए तो स्टीकर बन के सड़क पे चिपक जाओगे क्योंकि ऐसे ट्रक हैं यहाँ पे अच्छा इनको नज़र भी नहीं आ रहा होता ये बाइकों वाले इनको इतने ऊपर इनके ग्लासेस होते हैं ना पीछे देखने के लिए कि वो बाइकों वाले नज़र नहीं आते इनको तो कल का यकीन नहीं है और दूसरी बात ये है कि आज जो है ना आपकी वो आइंदा कल से खाने के लिहाज से ज़्यादा अच्छी है तो इसलिए आज ही खा लो क्या ख्याल है तो बचाने का जो कॉन्सेप्ट है ना बचाने का शरीयत का बिल्कुल उलट है हम बचाना इसको समझते हैं कि आज नहीं खाया कल के लिए रख दिया इस्लाम इसको बचाना नहीं कहता इस्लाम इसको ज़ाया करना कहता है इस्लाम कहता है जो पैसा आपका था आप पे लगा ही नहीं तो वो आपका है ही नहीं बचाना ये है नबी क्या है बचाना हदीस में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशीफ लाए अम्मी आयशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कुछ खाने को है उन्होंने फ़रमाया कि एक हदिया आया था हमारे घर में कुछ बकरी का पाया था या क्या था तो मैंने सारा सदका कर दिया एक थोड़ा सा खुर उसका बच गया है कुछ इस मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है हदीस के मफूम बयान कर रहा हूँ बाकी सारा क्या कर दिया सदका देखो ऐसी कंडीशन में हमारी क्या हालत होती है हम कहते हैं ये कोई सदका सेंटर खोला हुआ है तुमने यही होता ना वला तोआल कुरान कह रहे है जिसका आखरत पर ईमान नहीं होता वो खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता वो बीवी को भी तरगीब नहीं देता कि बेगम तुमने क्या खैराती इदारा खोल के रखा हुआ वहाँ से अधिया आया और तुमने उठा के सदका कर दिया लेकिन हमारे नबी का चूंकि आखिरत पर ईमान था ना सिर्फ ये कि इस पर आपको गुस्सा नहीं आया बल्कि आपने अप्रीशियट किया और ऐसे खानदानी तरीके से इतने जबरदस्त अल्फाज से अम्मी आयशा की हौसला अफजाई की हालांकि अब खाने को आपके पास नहीं है इतना सा बच गया है तो आपने फरमाया कि आयशा तुम जो ये कह रही हो कि सारा सदका कर दिया बचा सिर्फ ये है फरमाया नहीं बचा वो है जो सदका कर दिया ये खत्म होने वाला है मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात तो जिसका आखिरत पर ईमान होता है वो खाना खिलाने की तरगीब देता है खाना तो महज़ एक अलामत है मकतल लोगों की जरूरतें पूरी करने की तरगीब खुद भी करता है दूसरों को भी तरगीब देता है तो आज घरों में ये चीजें क्या हो गई हैं भाई खत्म बचपन से बच्चों को पैसा कमाना सिखाया जा रहा है खर्च करना नहीं गुलक खरीद के दे देते हैं उनको गुल्लक होता है ना अभी क्या कहते हैं आजकल नई जबान में उसको हम तो गुल्लक कहते थे गुल्लक ही कहते हैं कि इसमें जमा करो इसमें जमा करो इसमें जमा करो इसमें जमा करो कमेटियाँ डाल रहे हैं कमेटियाँ डाल डाल के फिर निकलेगी और अजीब भिखारी बने यार मेरे पास अजीब अजीब किस्म के भिखारी आते हैं मेरा दिल चाहता है मैं इनसे पैसे मांगूँ <laughs> उनके हालात से पता चलता है कि जी वो ज़क़ात के पैसे आपके पास आए हुए होंगे तो इतने रुपए चाहिए क्या करना है ये ज़रूरत है फ़लानी ज़रूरत है ये ज़रूरत है तो मैं कहता हूँ आपकी तो इतनी तनख्वाह है कहते हैं वो हमने कमेटी डाली हुई है असल में आड़े वक्त के लिए जिस आदमी ने कमेटी डाली हुई है इसका मतलब उसके पास तोड़ भरने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा है तभी तो निकल रही है कमेटी कमेटी के लिए पैसे निकल रहे हैं तो मैं भी बहुत ढीट हूँ अलहमद इस मामले में अल्लाह ने मुझे बड़ा ढीर बनाया है मेरी जेब से पैसा निकालना आसान नहीं है ये बता दूँ आप समझ रहे इतनी तो सखावत तो मुफ्ती साहब के पास जब जाके मांगो एकदम नोटों की गड्डी निकाल के देंगे बेकारी के लिए मेरी जेब से निकलने के असूल बहुत सख्त है अपनी मर्जी से दे दूँ तो कोई मुस्तक नहीं भी हो अपने पैसे अगर देना चाहे इंसान दूसरों की अमानतें तो गैर मुस्तक को नहीं दे सकता मैं अपने पैसे मुस्तक नहीं भी है, ले जा भाई लेकिन आप ट्राई करके देख लें एक करोड़ रुपए मेरे पास पड़े हुए हों और आप आगे मांग के निकलवाने की कोशिश तो करके देखें ऐसा आपका खानदानी कसम का इंटरव्यू होगा क्या आप बोलोगे ऐसा तो हम जब फौज में भर्ती होने के लिए गए थे ना आई एस एस बी का इम्तिहान दिया तो उस वक्त भी ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ था क्यों ले रहा है भाई तू पैसे एक साहब आए कि मुझे बहुत शदीद ज़रूरत है मैं बिल्कुल ये हो रहा हूँ और बहुत 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 ऐसे वाकई बड़ी जरूरत थी उनको बीमारी चल रही थी पता नहीं कैंसर था क्या था और अब मैं बहुत परेशान हूँ तो मुझे इतने लाख रुपए चाहिए और वाकई ज़रूरत थी तो आप कोई जक़ात से भी ताउन कर दें या सदक़े से कर दें यह है जो कल कल जिनके यहाँ कल का मफहम बिल्कुल क्या है चेंज है इधर नबी की हालत क्या है अपनी ज़रूरत कुर्बान करके कल के लिए अम्मी आयशा ने दे दिया तो हौसला अफजाई कर रहे हैं चलो आज भूखे रह जाते हैं कल अल्लाह हमारा पेट भर देगा हदीस में आता है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करेगा कहाँ हैं वो लोग जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खिलाया जब मैं प्यासा था तो उन्होंने मुझे पिलाया क्योंकि पिलायामत के दिन लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे तो लोग कहेंगे अः अल्लाह तू कहाँ से भूखा हो सकता है तू कहाँ से प्यासा हो सकता है तो अल्लाह कहेगा मेरी मखलूक भूखी थी उस मखलूक का जिस जिसने ख्याल रखा तो वो ऐसे था जैसे उसने मेरा ख्याल रखा देखो आप किसी बच्चे को भूखा हो खिला दो बाप खुश होता है कि नहीं होता क्योंकि बाप का उससे क्या है तल्लु तो अल्लाह का भी मखलूक से ताल्लुक़ है नबी सल्ला वसलम जब मुशर्किन मक् को ये बातें बताते तो वह इतराज़ करते अनु तयम उमलऊ याषा अल्लाम देखो कैसे इतराज़ा इतराज़ करके ना किसी भी चीज़ पर आप इतराज़ात करके जान छुड़ा सकते हो वह कहते थे कि हम अगर अल्लाह चाहता है अल्लाह को अपनी मखलूक का इतना ख़्याल है तो खुद ही क्यों नहीं खिला देता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मशरकिन को तरगीब देते कि गरीब मिसकिनों को खाना खिलाया करो तो वो जवाब में कहते अनु तीमू मल्लाउ याशा अल्लाह चाहता है कि मखलूक का पेट भरे तो अल्लाह खुद ही क्यों नहीं भर देता अल्लाह खुद ही क्यों नहीं खिला देता इनको तो इसलिए हर ऐतराज़ ऐसा नहीं होता कि उसका जवाब दिया जाए ये तो बिल्कुल वाज बात है कि अल्लाह तो आज़माता है अपने बंदों को निज़ाम है उसका एक सिस्टम बनाया है उसने तो चाहे तो अल्लाह दुनिया में गरीब रखे ही नहीं और इम्तिहान हो ही नहीं कुरान तो यहाँ तक कहता है अगर हम चाहें तो सबको ज़बरदस्ती हिदायत दे के जन्नत में ले जाएं हम तो ये भी कर सकते हैं अल्लाह को शौक थोड़ी है लोगों को जहन्नम में डालने का लेकिन अल्लाह का एक निज़ाम है कि जन्नत में वो जाएगा जो इम्तिहान में पूरा उतरेगा जो नाकाम होगा उसके लिए जहन्नम की आग है अगरचे अल्लाह उस आग पे खुश नहीं होता तभी तो कुरान कहता है मा यू भी आजाक तुम्हें अजा दे क्या करेगा उसको कोई खुशी थोड़ी होती है इन शकर तुम بشرتے کہ تم तुम کرو करो ایمان ईमान लेकर आओ तुम शुक्र करो ایمان ईमान ले आओ तो क्या जरूरत है अल्लाह को आजाब देने की अल्लाह अपने बंदों को आजाब देकर होश नहीं होता तो हदीस में आता है قیامت के दिन ऐलान होगा कहां है वो लोग जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खिलाया देखो मैं पैसा खर्च करने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ अपने बयान में बदनी इबादत को मैं आम तौर पर ज़्यादा फोकस नहीं करता बदनी इबादत करने वाले मार्केट में होलसेल के हिसाब से मिलेंगे दिल में दौलत की मोहब्बत निकल जाए ऐसे आपको मुआरे में आटे में नमक के बराबर मिलेंगे ये जो दौलत है ना पैसा आज इसको लोगों ने खुदा बना लिया है तभी चेहरों की रौनकें ख़त्म हो गई हर वक्त गरीब गरीब बना फिर रहा होगा पैसे ही नहीं है पैसे ही जब भी बात पैसे ही नहीं है यार गुजारा ही नहीं हो रहा पैसे ही नहीं है गुजारा ही नहीं हो रहा यही रोना ना मुंह से पता नहीं क्या अजीब खुश रहा करो भाई बोलो यार बनता तो एक पराठा था दो खा लिए हमने ठीक है ना बनता तो एक भी नहीं है जो नेचुरल खुराक है ना इंसान की दो टाइम है ये पराठे तो सुबह सुबह ये तो गरीबी है अल्लाह गरीबियां भी खिला रहा है फिर भी कहते हैं पैसे ही नहीं है किराए के घर में रह रहा हूँ वो ये ये वही मुँह से बरसता रहेगा तो इनको किसी वजीफों से सुकून नहीं मिलने वाला ये फिर सुकून के लिए जाते हैं वजीफे बताओ और तुम्हारे अंदर जो दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं ना पैसा जो तुमने हिंदू तो पत्थर के बने हुए बुत की इबादत करता है आपने उन बुतों को दिल के अंदर दाखिल कर दिया है यहां से निकालो और ये जब तक रोकड़ा खर्च नहीं करोगे निकलेगा नहीं है ये बता दूं इसके लिए रोकड़ा खर्च करना जरूर जबानी तकरीरों से नहीं होगा नोटों की गडिया निकाल निकाल के हदिए दिया करो भाई को बहन को और सदका खरात किया करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है तमगना व तकशल फकर कि तुम्हें डर हो कि सदका किया तो कहीं गुर्बत ना आ जाए और नहीं किया तो पैसा बना लूंगा मजीद इस मिली जुली कंडीशन में जो पैसा निकलेगा इस पे क्या मिलेगा आपको सवाब और अल्लाह इस पे खुश होगा इस पे माल में बरकतें देगा कि मुझ पे तवक्ल करता है समझते होगे नहीं समझते तो पैसे को ऐसा खुदा बनाया हुआ है भाई बस करो यार मेरा बंगला मेरी गाड़ी मेरे पैसे मेरा बिस्तर मेरी बाइक ठीक है दोस्तों यारों में थोड़ा बहुत शुकर के तौर पर ठीक है यार गाड़ी नहीं खरीदी है मिठाई हो जाए तो अच्छी बात है ये शुक्र शुक्राने के तौर पर तो ठीक है फखर करने की चीजें नहीं है ये ये तो खिलौने मिट्टी के बच्चे को आप नई साइकिल दिला दें दोस्तों के सामने घुमाता रहेगा भाई <laughs> मेरी साइकिल बड़े हंस रहे होते हैं कि इसको क्या हो गया इतने से खिलौने पे हंस रहा है तो बिल्कुल जब हम गाड़ियों पे फखर करते हैं ना दो दो करोड़ की तो फरिश्ते ऐसे ही हंसते हैं वो खिलौना है मिट्टी का लोहे से निकला लोहा बन जाएगा थोड़े दिनों में कबाड़ में बिकेगी ये खिलौने छीन लिए जाएंगे आपसे मर जाओगे तो ये गाड़ी आपके वारिस चलाएंगे ये घर आपका आपके वारिसों के हिस्से में आ जाएगा तो वो मेरे पास आए और कहने लगे ये ज़रूरत वो ज़रूरत मैं मरा जा रहा हूँ मैं ये हो रहा हूँ तो फलाना हो रहा हूँ तो इतने पैसे चाहिए तो मैंने कहा आपकी गाड़ी कितने की है उन्होंने कहा गाड़ी तो भाई मेरी ज़रूरत है तो मैंने कहा जो आपको बीमारी आई हुई है उससे ज़्यादा ज़रूरी है गाड़ी ये लोगों की सोच बता रहा हूँ मैं इसको समझें क्योंकि बयान जब तक मिसाल ना दी जाए ना तो जो समझाना चाह रहा है इंसान वो समझ में नहीं आता इसलिए मैं वो जो रियल मिसालें जो चल रही हैं मार्केट में जिस तरह के लोगों में चल रहा है हिसाब किताब मैंने कहा आप कह रहे हैं आपके पास पैसे नहीं है क्या मैंने कहा मेरे पास हैं पैसे मेरे पास पैसे हैं लेकिन आपको देने के लिए नहीं है इतना सच बोलना भी बड़ा मुश्किल काम है मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं मगर आपको देने के लिए नहीं है। आपका जो इलाज कैंसर है या कुछ भी है मैं इस तरह से किसी का वाक़ बयान करता हूँ कि उसके ख्वाबों में भी ना आए कि मेरा वाक़ बयान हो रहा है वो नहीं पहुँचेगा जिसका वाक़ा है ना कुछ मैं कुछ चीज़ें बदल देता हूँ उसमें समझ रहे हैं ताकि किसी के पर्दा दरी भी ना हो और वो ख़ुद भी ना अपनी बेजती महसूस करे तो इसलिए मैं वाक़ के जो अहम पॉइंट तो बाकी रखता हूँ बाकी सारी किरदार और वार सब चीज़ें चेंज कर देता हूँ मैं तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी गाड़ी को बेच दें तो है मैं तो बग़ैर गाड़ी के कैसे मैंने कहा डब्ल्यू ग्यारह बेहतरीन चीज़ है डब्ल्यू ग्यारह क्या है बेहतरीन मैंने कहा गाड़ी बेचें और ये पैसा आप इलाज़ पे लगाएं और फिर आपके पास अगर कन्वेंस के पैसे भी ना हो तो डब्ल्यू ग्यारह के किराए के लिए मैं आपको जक़ात देने के लिए तैयार हूँ ये तो वाकई फिर पैदल थोड़ी जाएगा ना लांडी या सदर कहीं जा है तो पैदल थोड़ी जाएगा वैसे तो उसूली तौर पर जो गैरतमंद लोग होते हैं वो कहते हैं हम पैदल चले जाएंगे डब्ल्यू ग्यारह का किराया भी किसी से नहीं लेंगे लेकिन फिर ये इसके लिए बहुत ज्यादा तवक्ल चाहिए चलो हम इसका मुकल्लफ नहीं बनाते तो मैंने कहा कि डब्ल्यू ग्यारह है चिंचियां भी चल रही हैं अब तो अल्लाह का बड़ा फजल हो गया एक चिंची से यहाँ से पेट्रोल पंप पे उतरे दूसरी बदल के दूसरी चिंची खड़ी होगी गुरु मंदिर पर टर्न मारा है यहां से जेल रोड की तरफ से शॉर्टकट बना हुआ है आजकल ठीक है ना पहुंचे यहाँ पर लेकिन इसके लिए तैयार नहीं होते लोगों से मांग रहे हैं अल्लाह की एक आदत है कि जिसने मखलूक के सामने एक दफा हाथ फैला लिया ना तो बस दुनिया में हमने देखा है कि फिर वो फैलाता ही रहता है और हदीस में आता है मैं असाफिफ जिसने अपनी इज्जत की हिफाजत कर ली कैसे कि हाथ नहीं फैलाऊंगा किसी के सामने इसको कहते हैं इज्जत की हिफाजत लोग कहते हैं ना यार आज तक इस आदमी ने मांगा नहीं है कभी अच्छा लगता है ना ये जुमला वरना सु, कभी सुसर से पैसे मांग रहा है कभी सालों से मांग रहा है कभी किससे मांग रहा है कभी किससे मांग रहा है तो मंगता बना रहता है तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी गाड़ी बोलो बेचें इधर एक साहब किसी के डेढ़ दो तो करोड़ रुपए लेके भाग गए तो मुझे कहने लगे मैं कहाँ से दूं भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है मैं जिस जिससे मैंने कर्जा लिया हुआ मैं तो दे ही नहीं सकता तो मेरी मदद करें मैंने कहा आप बिल्कुल दे सकते हैं कहा से तू मैंने कहा अपना घर बेचो दे दो उसके डेढ़ करोड़ कह रहे घर बेच के रोड पे आ जाओ मैंने कहा रोड पे नहीं आएंगे आप आप किराए पे ले लें घर मैंने कहा फिर अगर किराए पे भी पूरा नहीं होता किराया भी जेब से नहीं निकल रहा तो फिर हम आपके साथ इन बोलते क्यों नहीं करेंगे क्योंकि घर बेसिक जरूरत है इंसान की रोड पे तो नहीं रह सकता ना पैसे पे सांप बन के बैठे हुए हैं और कहते हैं ये जो कर्ज देने वाला मुझसे पैसे मांग रहा है और देखो मेरा ख्याल भी नहीं है मैं गरीब आदमी हूं गरीब कहां से है 240 घर का 200 गज का घर लेके बैठा हुआ है तीन तीन स्टोरियां बनी हुई है उसके ऊपर बेच भाई इसको तू कह रहे नहीं ये मैं कहा जाऊंगा ये आपका हेडिक नहीं है ये उसका हेडिक नहीं है जिसने आपको पैसे दिए कि आप कहां जाएंगे उसके डेढ़ करोड़ हलाल कर दिए जो आप पर हराम थे उसको नसीहतें की जा रही हैं तो मैंने कहा भाई अभी दे दो तो आसानी से निकल आएंगे वरना क्यामत के दिन जो है ना ये डेढ़ करोड़ में तुम्हारी जितनी नमाजें और जितने तबलीग के चिल्ले और चार महीने और जितने हज ये सारे निकल जाएंगे फिर फिर वो अभी आसानी से मामला छूट जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जनाजा नहीं पढ़ाते थे जो किसी के पैसे लेके दुनिया से चला जाता था कि कर्ज है इसके ऊपर आपने फरमाया शहीद का हर गुनाह माफ होता है मगर कर्ज शहीद का माफ नहीं होता किसी ने कारोबार में पैसे लगाए आप खा गए तो याद रखो शहादत भी मिलेगी तो यह माफ नहीं होगा पैसे देने पड़ेंगे आपको ऐसे किसी का माल इतने नमाजी नमाजी ये काम कर रहे हैं किसी का माल खाना इतना आसान काम बन चुका है कि नमाजियों में ये काम हो रहा है क्योंकि वो नमाज की अहमियत तो जानते हैं माल खाना कितना बड़ा जुर्म है इसका उनको पता नहीं है तो मैं जो अपने बयानात में बदनी इबादत से ज्यादा पैसों की तरगीबात जो देता हूं ना खर्च करो उसकी वजह यह है कि अल्लाह को दुनिया की मोहब्बत पसंद नहीं अल्लाह चाहते हैं इसको मुसाफिर खाना समझो मुसाफिर खाना आप समझते हो या नहीं समझते इसका आपके नमाजी या हाजी होने से पता नहीं चलता इसका आपका सदका तो खैरात से और आप दूसरे का हक टाइम पे अदा करते हो या नहीं करते इससे पता चलता है लोग क्या करते हैं पेमेंट का टाइम आ गया पहली तारीख को पेमेंट करनी है आपने लेकिन आप कहते हो कि चूंकि मांग नहीं रहा तो क्यों ना इससे फायदा उठा के इन पैसों को मैं किसी बिजनेस में लगा दूं थोड़े दिन बाद इसको वापस कर दूंगा यह भी लालच है हवस है कि अगले का पैसा आपने अदा करना है और आप उससे क्या कर रहे हो जैसे बैंक में आप पैसा छोड़ दो तो सूद कमाता रहता है ना बैंक तो खुश होता है ना देखो बैंक आपको सहूलत देता है जब चाहो पैसे निकाल दो लेकिन खुश नहीं होता कि आप पैसे निकालो बैंक आपको सहूलत देता है आपके एक करोड़ है दस करोड़ है बीस करोड़ है जब आप चेक लेके पहुंच जाओगे बैंक पाबंद है कानून के आपको बोलो ना दे लेकिन खुशी इस पर होती है कि दे मांगो आप खुशी इस पर होती है कि आज के बजाय कल ले लो तो क्योंकि जितने दिन पड़ा रहेगा उससे पैसा कमाएगा आपके पैसे से तो आज ताजरों का भी यही हाल है कि जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट पे पैसे नहीं देते अगर मांगने आ जाए तो परेशान होते हैं टरखाते हैं टहलाते हैं कल परसों उनको पता है कि जितने दिन पड़ा रहेगा बिजनेस में लगा रहेगा ये नीच हरकत है घटिया हरकत है ये इसकी अलामत है आपने इन दीवारों ईंटों से दिल लगा लिया है भाई ख़ानदानी तरीके से पैसे कमाओ दो पैसे जो इज्जत के साथ हों वो ज्यादा बेहतर है उस कानून के खजाने से जो लोगों का पैसा आप जबरदस्ती अपने पास घुमा रहे हो इस्लाम में सबसे पहले जान की हिफाजत उसके बाद इज्जत की हिफाजत तीसरे नंबर पे पैसे की हिफाजत है और आज हमारी नजर में सबसे पहले पैसा है उसके बाद जान है इज्जत गई बोलो भाई वो अगर बच जाए तो ठीक है नहीं बचे तो इज्जत जिल्लत से क्या होता है भाई दो गालियां सुना देगा ना बोल देगा भाई इतनी बड़ी दाढ़ी रख के पैसे नहीं दे रहा ये बोल देगा ना तो ये तो सुनते रहते हैं अपने सुसर साहब से सुनते रहते हैं इस तरह की ताने हम इज्जतदार आदमी की नजर में यह ताना बहुत खराब होता है इज्जतदार आदमी जो है ना उसको यह ताना के कोई आप पर यह इल्जाम लगा दे कि आपने उसके पैसे खाए हुए हैं उसकी नजर में शर्म से डूब मरने का मकाम होता है यह कि भाई मेरे ऊपर यह इल्जाम कैसे लग गया मैं एक सब्जी वाले का वाकया सुनाता हूं ना अक्सर नहीं वो चूने वाला सब्जी वाला नहीं वो तो बहुत ही इज्जतदार आदमी था खानदानी खानदानी यहां एक सब्जी वाला हुआ करता था पता नहीं दस बारह साल से कहां गायब है गरीब आदमी सब्ज़ी बेचता था ये वाक्य मैंने कई बार सुनाया है लेकिन है बड़ा ख़ानदानी वाक़ मैं वहाँ उसके पास अक्सर जाके बैठा करता था बड़ा नेक शरीफ आदमी था और बड़ी मेहनत करता था वो इज्जतदार था मुझे बड़ा उससे दोस्ती हो गई दस बारह साल पुरानी बात है अक्सर मैं वहाँ जा के बैठता चाय वाय पीते मेरी वैसी उससे मेरा कोई लेन देन नहीं था बस मुझे वैसी गप शप के यार बड़ा इसकी बातें में बड़ा मज़ा था यहाँ के पी से ताल्लुक था उसका उर्दू भी बेचार पश आती थी तो उर्दू टूटी फूटी बोलता था एक दिन क्या हुआ मैं बैठा हुआ हूँ दस पंद्रह मिनट ना मैं उसके पास जाके बैठता था मैं बैठा हुआ खातून आई और उन्होंने उसे कहा कि तुम झूठ बोल तुमने झूठ बोल के ये सब्ज़ी दी है मुझे तो उसने कहा कि बाजी ये सब्ज़ी गलती से चली गई होगी आपके पास थोड़ा सा उसमें दाग वाग लगा हुआ था तो मैं कोई धोखेबाज़ आदमी नहीं हूँ कोई बात नहीं चेंज कर देता हूँ मैं अच्छा वो रोज़ाना की कस्टमर थी उसकी रोज़ाना के कस्टमर को तो इंसान कभी भी बोलो कभी भी नहीं छोड़ता वो तो सर पे जूते भी लगाए कहते नहीं सब्जी मुझसे ही लिया करो मैं जूते खा लूंगा क्योंकि पैसा है ना इज्जत बिजत की तो कोई वैल्यू नहीं है तो उस खातून ने फिर कहा कि नहीं तुमने झूठ बोला था या पता नहीं चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या झूठ बोला था तुम चोर हो या झूठे हो कुछ जिस तरह बोला उसने फिर कहा कि भाजी देखो ये गलती से सब्जी खराब चली गई है मैं ऐसा हूं नहीं आप ये रख दे मैं दूसरी दे देता हूं आप तीसरी दफा जब उसने कहा ना कि तुमने झूठ बोला था उसने कहा सब्जी आपको नहीं मिलेगी हालांकि गरीब आदमी अपने मुस्तकिल कस्टमर को कभी भी बोलो नहीं छोड़ उसने कहा मैंने अगर झूठ बोल के सब्जी बेचनी होती तो मैं सब्ज़ी नहीं बेचता अगर मैंने हराम कमाना होता ना तो फिर मैं यहाँ मेहनत नहीं करता अब वो खातून को लगा कि इसको तो गुस्सा आ गया है तो वो माफ़ी मांगने लगी उसने कहा नो माफ़ी उसने कहा माफ़ी वाफी नहीं है बस जाओ मीटर शार्ट हो गया हमारा अब वो बेचारी पीछे पड़ी भी है देख चल छोड़ दे यार तू ये रख ले बस कोई बात नहीं उसने कहा नहीं तुमने मुझे बोला कि झूठ बोलता हूँ मैं मैं चोर हूँ अब नहीं मिलेगी वो भाई उसने हद कर दी लेकिन ये भी अड़ गया बज़ाहिर आपको लगेगा ये सब्जी वाला बदखलाक था लेकिन मुझे लगा कि ये आदमी इसका ब्लड क्या है ये किसी खानदानी बाप का खानदानी बेटा है नहीं रही बात ये थोड़ी के कुछ भी बोल दो अब देखो आदमी जो सच्ची मुच्ची का झूठा या चोर होता है ना उसे जब बोल दो चोर है तो एकदम मसनू गुस्सा आएगा उसको मसनू मुझे चोर बोला अंदर अंदर से खुश हो रहा होगा कि आप जैसे एक वो चोर को पकड़ के लाया गया ना अदालत में तो जज ने गुस्से से इसको बोला कि तुमने कम वक्त इतनी खूबसूरती से इतने रुपए चुराए हैं कि, कि किसी को कानो कार भी खबर ना हुई कानों कान भी खबर ना हुई कह रहे शुक्रिया सर आप पहले आदमी जिन्होंने मेरे फन की इतनी बेहतरीन अंदाज़ में तारीफ़ की है जज साहब आपका बहुत शुक्रिया पहले वरना आजकल सब अनाड़ी कहते थे मुझे आप पहले आदमी जो इस कुर्सी पे बैठ के मेरे फन की तारीफ कर रहे हैं तो जो चोर होता है उसको थोड़ी हिस्से कि उसको कोई चोर बोल दे जो नहीं होता उसके लिए ताना बहुत बुरा तो मेरे भाई अगर आप भिकारी नहीं हो अगर आप पैसों के मामले में दो नंबर नहीं हो तो लोगों को वक्त पे उनकी पेमेंट बोलो ना दे दिया करो किराएदार हो तो मालिक मकान को पहली तारीख को खुद अच्छे बच्चों की तरह फोन करके पेमेंट दे दिया करो कि अपना अकाउंट नंबर भेज दें मैं उसमें खुद ही ट्रांसफर कर खुद आपकी जिम्मेदारी है ये वो नहीं पीछे पड़ा रहे जैसे वो भिखारी नहीं पड़े रहते घंटिया बजा बजा के अबे निकल यार छह तारीख हो गई सात तारीख हो गई आठ तारीख हो गई और आप पीछे पड़े हुए हो आप बोले तो पहली तारीख होती है और कम बाहर घर पर आके खड़े हो जाते हो तुम गुजारा नहीं होता तुम लैंड लॉर्ड हो तुम्हें क्या जरूरत है तो ये नसीहतें नहीं किया करो उसको लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि किराएदार जो है ना मालिक मकान किराएदारों पर जुल्म करते हैं मेरी रिपोर्ट इसके बिल्कुल बरक्स है। जुल्म किराएदार मालिक मकान के घर की हालांकि मेरा जाति घर नहीं है ना मेरा कोई जाति घर होगा तो किराए पर दूंगा ना मैं तो खुद किराएदार हूं लेकिन हकीकत यह है कि किराएदार मालिक मकान के घर की ऐसी वाट लगा के जाता है कि जितना किराया उस मालिक मकान ने पाँच सालों में वसूल किया है ना सारा उस घर की रिपेयरिंग में लग जाता है क्योंकि अमानतों में खयानत करने में बहुत मजा आता है आजकल आप ये किराएदार ये समझ के इस्तेमाल नहीं करता कि मेरा घर है फिर कलर भी उसी से करवा रहा होगा ठीक है ना पाँच साल हो गए कलर नहीं किया तो सारा काम उल्टा चल रहा है माशरे में तो जल्दी से बात को समेट के ख़त्म करता हूं तो मेरे भाई दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालने के लिए वही उसूल हैं जो तो कुरान ने बयान किए कि आप कहते हैं रुपया बचाइए कल काम आएगा कुरान कहते रुपया बचाओ कल काम आएगा लेकिन वो कल जो यकीनी है और उसमें तुम जवान होगे तुम्हें जरूरत होगी आज जो कल आने वाली है उस कल का तुम्हें यकीन नहीं है तो इसलिए कुरान की आयत पढ़ के बस अपने बयान को खत्म करता हूँ अल्लाह तला फरमाते या यूहदीना आ मानू लातुल लातुल

किसी नफ्स को अल्लाह हरगिज़ मोहनत नहीं देता जब उसकी मौत का वक्त आ जाता है और नबी सल्ला वसल्लम ने फरमाया इंसान कहता है मैं ज़रा अपने बुनियादी हदीस का मफ़ूम बयान कर रहा हूँ मेरी ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो मैं सदका करूँगा मैं करूँगा भी ये काम अभी तो बच्चियों की शादी अभी तो यह बहरिया टाउन के प्लाट की किस्तें चल रही हैं अभी तो ये हो रहा है अभी तो यूँ करना है अभी तो यूँ करना है होते होते मुझे डर लगता है रियाज मलिक कहीं कहीं मुझे छाँव महीना मिल जाए बस वो तो मुझे पकड़ के बोलेगा यार मेरे बहरिया टाउन की तुमने तो ऐसी की तैसी कर दी तो मैं तो बहरिया टाउन एक एग्जाम्पल मैं तो डिफेंस को भी यही समझता हूं ठीक है ना मैं तो क्लिफ्टन को भी यही समझता हूं मुझे बहरिया टाउन से कोई छिड़ नहीं है आप बहरिया टाउन में हो सकता है कल मैं बहरिया टाउन में घर ले लू तो किसी की बात के दावे को समझने की कोशिश करनी चाहिए वो कह क्या रहा है बहरिया टाउन में घर लेना गलत नहीं है दिल लगाना बोलो गलत उस घर को दिल में ना लेकर आए घर में रहें घर के अंदर आप रह सकते हैं घर को अपने अंदर ना लेकर आए है ठीक है नहीं है तो भी ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं है तो खैर क्या कह रहा था बात कहां से कहां निकल जाती है इतना दिमाग मुंतशिर होता है ना तो अल्लाह ने क्या फरमाया हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान करता रहता है खर्च कहता है कि मेरा ये काम भी हो जाए ये काम भी हो जाए यह काम भी हो जाए होते 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 फिर जब आखिरी वक्त आता है तो कहते हैं अब लि फुलान इन कजा फ़लाँ मदरसे में इतने दे दो फलां मस्जिद में इतने लगा दो फरमाया अब नहीं अली फुलान, अब ये तुम्हारे वारिसों का हो चुका है होप तबीयत से अयाशी तो कर ली है अब बच्चों को महरूम करने के लिए क्या कर रहे हो सद के हैं भाई तो बच्चे भी इल्ज़ाम लगाएंगे ना अब्बा खुद तो लाइफ को बड़ा तरीके से एंजॉय कर लिया सारे खर्चे पूरे कर ले अब बुढ्ढे हो गए अब हमें थोड़ी सी रालें टपका रहे हैं कि अब्बा की तारिक रोड की ये दुकान मुझे मिलेगी बड़ा बेटा कह रहा है बेटी के जहन में आ रहा है कि अब्बा के जो वहाँ जो अब्बा ने फ्लैट बुक कराया है वो किसके ह... हिस्से में आएगा मेरे हिस्से में अब इंसान कहते हैं नहीं वो फला दुकान जो है वो जामत रशीद के हवाले कर दी जाए देखो हम दरम्याण में चंदे भी मांग रहे होते हैं स्टाइल है हमारा फला दुकान बिन्नौरी टाउन के हवाले कर दी जाए फला दुकान दारंगी के हवाले कर दी जाए फला जो है ना किसी ट्रस्ट को दे दी जाए जो बेवगान के लिए तो बच्चों के दिल में नफरत पैदा होगी कि नहीं होगी नबी ने फरमाया अब तो फला से अब तो फला का अल्लाह चाह आ रहा है कि फला का हो जाए जो बच्चे हैं उनका हो जाए तो जब जवानी खाने की थी खूब नचोड़ दिया तबीयत से है भाई और बच्चों को महरूम करने के लिए अब क्या हो रहे हैं सदके क्योंकि अब पता है भाई अब तो ना मुंह में दांत है बादाम खाने के लिए तो बादाम का डब्बा फला बेवा को जाके दे दो जाके है भाई जब मुंह में दांत ही नहीं है बादाम चबाने के लिए तो जितने अखरोट रखे हुए थे बेगम वो मासी को बोलो ना बोलने पर पाबंदी लगाई है क्या बेगम वो मासी को पकड़ा दो वो सारे अखरोट का डब्बा अब बच्चा कह रहा होगा अबा आपके दांत नहीं है हमारे तो है ना हमें तो खाने तो दो <laughs> तो वो ये ये सेटअप चल रहा है मार्केट में तो अब मैं उबर में जा गाड़ी ड्राइव नहीं होती अब तो गाड़ी बेच दो ईदी सेंटर को दे दो ये गाड़ी हम उबर में जाया करेंगे तो बच्चा कहेगा अब्बा आपकी बिनाई कमज़ोर हुई है हमारी बिनाई कमज़ोर नहीं हुई है तो इसलिए नबी ने फरमाया अब तो फ़ला का है भाई अब तो औलाद का हक है इससे मुतल तो इसलिए जवानी में इसका मतलब ये नहीं कि बुढ़ापे में सदक़े ना करें यह तो एक मिसाल दी गई है तो इससे पता चलता है कि जवानी में दुनिया से दिल नहीं लगाना जिसने जवानी में दुनिया को मुसाफिर खाना समझा उसकी ज़िंदगी अल्लाह उसमें बहारें पैदा करेंगे बरकत पैदा करेंगे और अल्लाह क्या फरमाते हैं मन कर्दन हसना कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ा दे अल्लाह इस सदके को सदका नहीं मांगते मानते बल्कि कर्जा करार देते हैं कि तुम मुझे कर्जा दे रहे हो फुज़ाफ़ लाफन कसीरा अल्लाह इस कर्जे को कई गुना बढ़ा के लौटाएगा सखी आदमी के पास माल की रेल पेल होती है e <susurra> कंजूस आदमी का माल ऐसे ही सड़ जाता है जैसे कुएं में खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है और कुआं अगर सखावत दिखाए और लोगों को सैराब करता रहे तो उसकी सूतें खुलती हैं और उसकी दरारों में पानी और प्रेशर के साथ आता है ताजा पानी आता है देखने में लगेगा इतना पानी है लेकिन आप निकालो तो सही जितना निकालोगे इतना इंशाला उस कुएं में दोबारा आएगा तो वो कुआं बने जो लोगों को सैराब करता है वो कुआं ना बने जो अपना पानी लेके दफन हो जाता है अल्लाह तला हम सब को समझने की अमल की तोहफी कता फरमाए और दुनिया मुर्दार की मोहब्बत अल्लाह हमारे